हाय एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं कमेंट पर, जो कि अपने इसे कमेंट यहां कॉपी में लिखा हुआ हूं, वही कमेंट पर एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ इससे पहले आपको मिले। दोस्तों, मेरा हौसला और हिम्मत आप लोग हैं, बढ़ाइए और वीडियो शुरू करते हैं। पहला कमेंट एक भाई ने किए हैं, आपका ये वीडियो बहुत ही सराहनीय है। चंदन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन कुमार जी आपका मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। सैदुल इस्लाम, नाइस। सैदुल इस्लाम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। सुनील कुमार, सुनील कुमार जी वेरी गुड का वो कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी आपको। और एक कमेंट है, बहुत सुंदर है आपका वीडियो एलके मैन मस्ती। ये जो कमेंट किए हैं उनका शायद यूट्यूब चैनल का नाम है एलके मैन मस्ती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कमेंट किए हैं, इंडिया की ग्रेट कंपनी है, वेरी गुड डिलीवरी, 100% सक्सेसफुल। ये जो कमेंट किए हैं इनका नाम है सतनम सिंह। सतनम सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह हौसला में बढ़ाते रहिए ताकि मैं भी एक वीडियो बनाऊं और मेरा वीडियो वायरल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका तहे दिल से। सर मेरा हेल्प करिएगा, मेरा कुरियर आया है या नहीं। भाई साहब, मैं आपका बिल्कुल हेल्प करूंगा, क्यों नहीं हेल्प करूंगा, पहले ये तो बताइए कि आपका कुरियर आया है या नहीं। ये आपने कमेंट किया है तो मैं कैसे बताऊं कि आपका कुरियर आया है नहीं, ये तो आपके मोबाइल सिस्टम में ही आपको पता चलेगा। जिस कंपनी से मंगाते हैं उसका ऐप्स डाउनलोड होगा और आपको ऐप्स में ही सारा सिस्टम बताया रहता है, आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ आपका पार्सल है, कहाँ आपका कुरियर रुका हुआ है। वे शुभम शर्मा जी ये लिखे हैं, सर मेरा हेल्प करिएगा, मेरा कुरियर आया है या नहीं। सर जी, ये तो आप अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ऐसे। आप मोबाइल से ही आप अपने पार्सल को देखें कहाँ आपका है, ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, शुभम शर्मा जी सॉरी। मोहन कुमार, मोहन कुमार जी आई लाइक यू, धन्यवाद मोहन कुमार जी आपका भी। एक हैं मोनिका यादव जी, इन्होंने कमेंट किया है आपका ऑफिस कहाँ है भैया। मोनिका जी मैं बता दूं कि मेरा ऑफिस जहानाबाद जिला मखदुमपुर नवाबगंज डीसी है। डिलीवरी रिसड्यूल क्या होता है भाई। जगदीश सिंह, जगदीश सिंह जी ले आप कमेंट करके पूछा है कि ये डिलीवरी रिसड्यूल क्या होता है। तो जगदीश सिंह जी मैं आपको यह बता दूं कि रिसड्यूल का मतलब डेट डालना होता है। यह रिसड्यूल इसलिए डाला जाता है ताकि कस्टमर वो अपने घर पर नहीं है, अपने एड्रेस पर नहीं है, कहीं और जगह है, तो वह बोलते हैं कि मैं आज अपने एड्रेस पर अवेलेबल नहीं हूँ, यह मेरा पार्सल को रिसड्यूल कर दीजिए। इसलिए रिसड्यूल का मतलब डेट डालना होता है। तो जगदीश सिंह जी, रिसड्यूल का मतलब डेट डालना होता है, आगे का डेट पार्सल पर डालता है ताकि आप निश्चित समय पर अपने एड्रेस पर रहें और पार्सल आपका घर पर डिलीवर हो। जगदीश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। डिलीवरी का फाइनेंस कैसे लेते हैं। राज एक्स जी ने आपने यह फाइनेंस के बारे में मैं एक कमेंट करके पूछा है कि डिलीवरी का फाइनेंस कैसे लेता है। तो राज एक्स जी, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हेलो भाई, आप एक ऑफिस ऑनर पर एक वीडियो बनाइए, एक पार्सल पर कितना मिलता है पैसा, उनको कैसे खोलते हैं ऑफिस। एक कमेंट किए हैं, उनका नाम है अभी। अभी जी मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और कैसे ऑफिस खुलता है, कैसे पार्सल, एक पार्सल पर कितना पैसा मिलता है, मैं आपको एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। अभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कमेंट है, ये बताइए ये गाड़ी कंपनी से आती है का।
या फिर इसका रेंट किराया देना पड़ता है। जी हाँ, ये ऑल कश्मीर जो कमेंट किए हैं वो उनका शायद यूट्यूब चैनल है ऑल कश्मीर के नाम से, तो ये कमेंट किए हैं कि ये बताइए ये गाड़ी कंपनी से आती है का या फिर इसका रेंट किराया पर देना पड़ता है। जी हाँ, ये गाड़ी कंपनी से ही आती है और यह गाड़ी थर्ड पार्टी को दिया जाता है और वह इसका रेंट लेते हैं कंपनी से। ऑफिस जगह जगह जहाँ जहाँ ऑफिस रहता है उस ऑफिस पर पार्सल पहुँचाते हैं और ये थर्ड पार्टी का ये दिया जाता है, थर्ड पार्टी का गाड़ी होता है और वो रेंट इसका कंपनी से लेते हैं। ऑल कश्मीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक कमेंट आया है, मैनेजर का क्या काम होता है भाई? बहुत बहुत दिलचस्प कमेंट है आपने जो कमेंट किया है नव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद नव कुमार जी आपका। नव कुमार जी ने कमेंट किया है, मैनेजर का क्या काम होता है, उनका कितना वर्क प्रेस होता है, क्या रिपोर्ट भेजना होता है ऑफिस, और जो पेमेंट कलेक्शन कैसे डिपॉजिट करते हैं, मैनेजर का कितना सैलरी होता है। नव कुमार जी मैं बता दूं कि सारा डीसी का जो भार होता है वो मैनेजर के ही ऊपर रहता है, उनका वर्क हार्ड वर्क है, वो अपने टाइम से आते हैं और ऑफिस का उनका काम होता है सुबह सुबह उनका यह कौन सा मेल है उनका जवाब देना होता है, तो मैनेजर का काम बहुत बड़ा है, उनका दायित्व है, उनके ऊपर ही यह पूरा डीसी ऑफिस कुरियर का चलता है। और ये पूछ रहे हैं कि पेमेंट कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो पेमेंट कलेक्शन करने के लिए कंपनी खुद पेमेंट लेती है और कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जो, नव कुमार जी मैं आपको बता दूं कि जो पेमेंट ऑफिस का जो जाता है वो CMS के द्वारा जाता है, CMS तो हमारे ऑफिस में आते हैं पेमेंट कलेक्शन करके जाते हैं, उस फॉर्मूला उनका होता है, वो फार्म वगैरह फिल करते हैं भरते हैं और उसके बाद वह पेमेंट ने वो ले जाते हैं, उनको CMS बोलते हैं, CMS के लैंग्वेज यही बोलते हैं हम लोग। और ये और एक कमेंट आया है, वेयर इज माई पार्सल जोनाथन मैकलोड जी, अब तो ये बताएंगे कि वेयर इज माई पार्सल, भाई मेरे पास कैसे पता चलेगा कि आपका पार्सल कहाँ है, यही कमेंट एक और आया था इसी से मिलता जुलता, तो आपका पार्सल अपने सिस्टम में ही अपने मोबाइल में ही देखिए कि आपका पार्सल कहाँ है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो पार्सल ऑर्डर करते हैं उसका ट्रैकिंग दिया जाता है, वह एक लाइनिंग होता है, वह रेड होते जाता है, जहाँ पार्सल होता है आपका रेड का एक गोला होता है बुंदा, वो रेड ग्लो करते रहता है कि आपका यहाँ पार्सल है, तो जैसे ही पार्सल अब जहाँ से चलता है शिप होता है आगे ऑफिस पहुँचता है, उससे फिर आगे पहुँचता है और जैसे ही आपका नियर जो है ऑफिस जो डिलीवर करता है वहाँ आता है, तो आपका सारा सिस्टम मोबाइल ही बताता है। तो जोनाथन मैकडोल जी ये आपका अपने ही मोबाइल में पता चलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को देखकर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए और कमेंट करके मेरा हौसला जाहिर कीजिए ताकि मैं फिर से एक वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।